तो मम्मी पापा जो है रूम से ऊपर आ जाया करती थी छत के ऊपर ताकि हम लोग शूट कर पाए। तो ये है हमारा केक जो कि बहुत बहुत अच्छा है। अरे क्रियांश बोल रहा है हमको भी नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो क्रियांश जो अभी जा रहा था इन्वर्टर का स्विच दबाने के लिए, इसको जो गोद में उठा लिया गया है, चिल्ला रहा था, लेकिन अभी जो कैमरा आ गया तो शांत हो गया है। गुस्सा बहुत करता है, बहुत ज्यादा गुस्सेल हो गया। क्या गुस्सेल होगा क्या तुम ले? बात इसका हर डिमांड पूरा होता है, ये जो कहता है ना सब कुछ इसका पूरा आता है। और माँ जो है यहाँ पर संध्या आरती दिखाने वाली है और हम लोग जाने वाले हैं मंदिर, और मंदिर जाने वाले हैं आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो के टाइटल से। हम लोग का हो गया है जी इंस्टाग्राम पर 500K प्लस फॉलोवर्स। तो हमारी जो सोशल मीडिया फैमिली है उसमें बहुत सारे लोग जो है अब जुड़ चुके हैं। फैमिली जुड़ गई, बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जैसे ही ये गेट बजेगा भागे भागे आया यार। गेट खोलता है, बाय बाय। गेट खुला, इसकी तैयारी जाने की। बाय बाय कर भी रहा है कि हम जाएंगे। अब कहाँ जा रहे हो? फिर तो यहीं आना। अब चलाओ गाड़ी पर जल्दी। तो हम लोग पहुँच गए जी काली माता के मंदिर, और प्रसाद भी हमने ले लिया है, और प्रसाद लेकर के अब सीधा चलते हैं अंदर और जाकर के माता के दर्शन करते हैं। तो हम लोग का जी पूजा पाठ हो गया और अब निकलते हैं, और क्रियांश जो है वहाँ से निकलना नहीं चाह रहा है। क्रियांश यहीं पर रहना चाह रहा है। हाँ यही रहना है तुमको। पूजा करके क्रियांश आ गया है शॉपिंग करने के लिए। देखो वो बता रहा है इस टाइप का चाहिए, हमें चाहिए भी इसी टाइप का। ये देखो ये इस टाइप का है, ये देखिए इस टाइप का, हाँ कपड़ा वाला इस टाइप का, बड़ा पहनने में सही रहेगा ये। पता है हम यही ढूंढ रहे थे। हाँ ये कंफर्टेबल है, हाँ डेली वेयर के लिए चाहिए, नहीं कि फैशन के लिए। डेली वेयर हिसाब से ना शौक से डाल के गरम आएगा। शॉपिंग हमको लगता है छोटा हो गई। हाँ ये छोटा हो जाएगा, देखिए। हाँ छोटा हो जाएगा। प्रियांश जाते हैं, सबसे पहले शूज पे हाथ डाला था। जूता पहन प्रियांश शॉपिंग कर लिया। प्रियांश भर भर के शॉपिंग कर रहा है। अल्लाह कहाँ देख लियो, देखिए मैम आ गया ये। अच्छा आ गया, इसको नीचे छोड़िए। तो ठीक है ना, ले लीजिए। और क्रियांश ने भर भर के शॉपिंग की है यहाँ पे। हाँ ठीक है, हमको अच्छा लगे। इसका कपड़ा तो देख लिया जी, और सोचा क्रियांश के लर्निंग के लिए जो है कुछ ले लिया जाए। ये अच्छा लग रहा है, कलरफुल ये रिंग देख रहे हैं क्रियांश के लिए। ये देखिए सर, ये देखो क्रियांश, ये दो तीन दिन बस उसको सिखाना है, बस हो जाएगा फिर। हाँ, सीख लेगा। सही है, ये ले लिया। ठीक है, अच्छा है। देखो देख भी रहे हैं, लेंगे। फर्स्ट टाइम ये कोई खिलौना देख के कह रहा है कि चाहिए। ये आपका ही है क्रियांश, कितना हैप्पी हो गया। फेंक देगा ये एक एक करके क्रियांश। देखो इसको मोबाइल बड़ा चाहिए होता है। क्या है मोबाइल में? ले सब चीज, सारा खिलौने ले लेगा ये, जो देख रहा है पटाख से हाथ में ले रहा है। अलग अलग करके निकाल के खेल सकता है, उसके बाद फिर इसके अंदर फिर डाल देगा। ओके, इसमें ऐसे लगा, ये बॉल बन गया, फिर ये निकाल लेगा ये ऐसे। ये देख लो, फटाक से ले लेगा। ठीक है, ये भी प्यारा है। चाहिए चाहिए ये तो लेके जीत सकता है।
घीच के ऐसे खेलेगा वो, इतना तो टाइम नहीं लेगा, आराम से आवाज करेगा तो साउंड करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। क्या इरादा है, सारा खिलौना ले जाएगा? क्रियांश की शॉपिंग होगी और इतना सारा टॉय लिया है क्रियांश ने, और इधर मेरे पास कुछ है, शूज लिया है, बहुत सारे कपड़े लिए हैं क्रियांश ने। तो सारी शॉपिंग हो गई थी और सभी लोग जो हमें एक एक करके निकल रहे हैं। क्रियांश का खिलौना भी ढेर सारा ले लिया, आए थे बस दो कपड़ा लेने के लिए, लेकिन साथ में ढेर सारा खिलौना भी लेकर के जा रहे हैं, तो चलते हैं। तो फाइनली हमारा भाई भी आ गया है और केक हमारा आया ही नहीं है जी। मेरा केक नहीं आएगा क्या? दिखाई कैसा केक है? तो फाइनली हमारा केक आ गया है जी। यह केक आपको दिखाते हैं कैसा है, हमने फोटो में तो देखा था काफी ज्यादा अच्छा लगा था, बाकी अब इसको खोल के देखा जाएगा। सुनो चाकू होगा इसके ऊपर, ये चाकू निकाल लेना, ठीक है? ब्रेक मारे थे जोर जोर से, तो उम्मीद करते हैं खराब नहीं हुआ हो इतना मेहनत से बना के वो भेजी है आप लोग खराब करने के लिए, नहीं उम्मीद करते हैं नहीं हो। और क्रियांश का भी नजर इधर ही है कि आखिर क्या है इस डब्बा के अंदर, क्या है क्रियांश? तो जिया बोल रही है बहुत सुंदर लगता है, देख लिया इसने, हमने तो देखा नहीं है, तो एक बार देखते हैं, एक बार पहले खुल जाए प्रॉपर तब दिखाते हैं। तो ये है हमारा केक जो कि बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना प्यारा केक भेजा है। वाह क्रियांश, केक देख रहा है वो, जा रहा है उसी की तरफ, उसी की तरफ जा रहा है, चाकू ले लिए जा रहा था काटने। क्रियांश बस 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 केक कट ही रहा है। तो फाइनली जी हमारा केक आ गया है और सारा परिवार जो है यहाँ पर इकट्ठा है, तो देख सकते हैं। और एक जो परिवार के सदस्य है वो कैमरा के पीछे है, जो कैमरा पकड़े हुए हैं, उधर से हाई कर दिया वो, बाकी सभी लोग जो अपने अपने जगह है। लेकिन आज जो हम लोग इस स्टेज तक पहुंचे हैं, हमारा जो एक सोशल मीडिया का फैमिली है एक इंस्टाग्राम पर, वह 5 लाख तक पहुंच गया है, वह सभी परिवार वाले लोगों के सपोर्ट की वजह से ही है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है जो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो सोचा कि छोटा सा और एक प्यारा सा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। क्रियांश थोड़ा सा परेशान कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि खुद केक काटना है इसको, ठीक है? तो जल्दी से आप केक कट करते हैं, ये रहा माचिस, चाकू है क्रियांश के हाथ में, आ जाओ क्रियांश ही काटेगा, आ जाओ। क्रियांश बोल रहा है हमको भी, आ गया फोटो। तो हमारा जी हो गया केक कटिंग सेरेमनी, एक प्यारा सा और एक छोटा सा सेरेमनी था। और बाकी दीदी क्या कहना चाहेगी, हो गए 5 लाख सदस्य वहाँ पर इंस्टाग्राम पर, मीडिया के बारे में उतना तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मैं बच्चों के साथ खुशी जाहिर करने हमेशा आ जाती हूँ। हाँ हाँ, और सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ, और ये पार्टी जो होते रहता है मेरे घर में, छोटा मोटा इवेंट होगा ही, बिल्कुल वो आप लोगों की देन है, छोटा मोटा इवेंट जो मेरे घर में होता है तो वह आप लोग का देन है, ये समाज का देन है, और मेरा परिवार रिश्तेदार जो जहाँ भी है किसी न किसी रूप उनका आशीर्वाद या सहयोग जरूर प्राप्त है। आज यहाँ तक मेरा बेटा पहुँच गया, लगता है कि आप लोग और भगवान दोनों मिलके हमारे परिवार को साथ दे रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहेगा और इसके साथ सब लोग आगे। चलिए जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, और हम लोग को जो है केक खाने का जो है मौका देते रहिए। सबसे पहला केक जो है कटा था हमें याद है, जब 50,000 हमारे फॉलोवर हो गए थे इंस्टाग्राम पर, फिर 100 केक का हुआ, फिर उसके बाद यूट्यूब पर हुआ, फिर उसके बाद फेसबुक पर, और आप लोग जो है धीरे धीरे करके प्यार बरसाते, टिकटॉक का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था, टिकटॉक का सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, हुआ था बस खाली बधाई दे दिए थे, लेकिन कोई भी केक कटिंग सेरेमनी नहीं हुआ था। तो मोलू महाशय जो है, जब हम लोग का टिकटॉक पर लगभग 20,000 की 50,000 फॉलोवर था, तब ये मोलू एक बार कहा था कि कोई बात नहीं आपका भी समय आएगा 100 के का। तो मोलू महाशय जो कहा, हमको भरोसा था, भरोसा था क्योंकि बचपन से किया देखो, अच्छा सोशल मीडिया का शौक था, तो और आप लोग का सपोर्ट था, जो आप लोग के सपोर्ट से जो है यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो कितनी फैमिली इतनी अच्छी थी कि हर
हर चीज को सपोर्ट किया बिल्कुल। और हमें ध्यान है कि जब हम लोग टिकटॉक पर हम लोग वीडियो बनाया करते थे तो मम्मी पापा जो है रूम से ऊपर आ जाया करते थे छत के ऊपर ताकि हम लोग शूट कर पाए, क्योंकि हम लोगों को जो है उन लोगों को मालूम था कि अगर मम्मी पापा रहेंगे तो उनके सामने हम कुछ भी वीडियो शूट नहीं करेंगे। शुरू से सपोर्ट रहा उनका। जब माँ यहाँ पे नहीं रहती थी डैडी सिर्फ अकेले रहते थे, तो शाम में उनको डेली चाय पीने का आदत रहता था बिल्कुल। और कभी ऐसा होता था कि डैडी लेट से आते थे कोर्ट से तो हम लोग वीडियो बनाने लग जाते थे, तो डैडी कहते नहीं थे कि मुझे चाय बना के दो, सोचते थे अगर ये वीडियो शूट करिए तो उसको करना बिल्कुल कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और जी यह जो केक है यह हमने लिया हुआ एक इंस्टाग्राम पेज है जिनका नाम है क्रीमी क्रिएशन बाय रिमी। यहाँ पर देखिए लिखा होगा क्रीमी क्रिएशन बाय रिमी, अगर आप ये इंस्टाग्राम पर सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उनका जो डिलीवरी होता है केक का वो सिर्फ और सिर्फ होता है कटिहार शहर में, तो अगर आप लोग कटिहार शहर से हैं और आप लोग भी चाहते हैं ऐसा कस्टमाइज केक बनवाना किसी की देख सकते हैं जी। पूरा यहाँ पर 500 के इंस्टाग्राम का लोगो, हमारा जो एक प्रोफाइल का पेज है वह, और स्टार, ये सब कुछ बना हुआ। अगर जो आपके यहाँ बर्थडे है, एनिवर्सरी है या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है और उस समय चाहते हैं कि कस्टमाइज केक बनवाए तो होममेड केक मिलेगा जी आपको। सबसे अच्छी बात है होममेड केक है। टेस्ट कैसा था? केक बहुत पसंद है, अलग से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा। और मुझे केक खाने के लिए सबको लगता है क्योंकि शुगर की पेशेंट है लेकिन फिर भी खाती है, लेकिन बुजुर्ग होकर भी बच्चों की तरह खाती है। चलो बहुत बढ़िया।